हे एवरीवन, वेलकम टू शम्स IAS। मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हियर आई एम विद चैप्टर 3rd ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स विच इज़ मनी एंड क्रेडिट। सो हम लास्ट दो चैप्टर तो कवर कर चुके हैं, सो हियर इज़ द 3rd चैप्टर। सो मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर ईजी है। ठीक, शुरू करते हैं कि मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को एक्सचेंज का मीडियम हमने क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, मनी से पहले बाटर सिस्टम चलता था। ठीक है, बाटर सिस्टम। अब बाटर सिस्टम में क्या होता था, इट्स काइंड ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक, अगर आपको किसी से गुड्स खरीदना है, गुड्स की ज़रूरत है, तो आप बदले में उसको कोई गुड दोगे। ठीक, बट इसमें ना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी बाटर सिस्टम में, विच वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। जैसे आप इधर पढ़ो, ये एक शू मेकर है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें शूज़ दूंगा पर मुझे वीट दे दो बदले में। ठीक, बट वीट वाला बोल रहा है कि मुझे तो शूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्लॉथ्स चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए बट मेरे पास वीट नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट होना ज़रूरी है। मतलब अगर एक आदमी को वीट चाहिए तो जो दूसरा आदमी है उसको उसको भी वही चीज़ चाहिए, होना चाहिए जो इसके पास है। सपोज अगर ये राइस देता है बदले में, ठीक है, तो अगर इस आदमी के पास वीट है और इसके पास राइस, और अगर इसको वीट की ज़रूरत है और इसको राइस की ज़रूरत है, वो कोइंसिडेंस जब होता था ना तब भी बाटर सिस्टम काम करता था, नहीं तो इसका कोई फ़र्क, इसका कोई यूज़ ही नहीं था। ठीक, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम था। तब इंट्रोड्यूस हुआ मनी। अब मनी की ऐसी चीज़ है जिस हम ऐसे कर सकते थे कि अगर हमें शूज़ चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल ही लेते हैं, हमें शूज़ चाहिए, हम उसे बदले में मनी देंगे कि तू हमें शूज़ खरीदना है, और वो शू मेकर उसको जो चाहिए होगा वो इस मनी से किसी और के पास जाके वो खरीद सकता है। ठीक है, तो मनी एक बहुत ही इजी इजी यू नो कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया था कि हम इजीली ट्रेड कर सकें। ठीक है, और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स था, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें। ठीक है, इसीलिए बाटर सिस्टम के बाद मनी से ट्रांजैक्शन करना शुरू किया, क्योंकि ताकि जो जिसके पास भी मनी है वो इजीली कोई भी कमोडिटी या सर्विस को एक्सचेंज कर सकता है, और आगे जिसको वो पे करेगा वो आदमी भी उसी मनी से आगे एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो इतना ईजी कॉन्सेप्ट आ गया था और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी इसलिए। ठीक, जहाँ पर बाटर सिस्टम में इतना कॉम्प्लिकेशंस था, वहीं पे जब मनी इंट्रोड्यूस की गई तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, अब हम किसी को ये नहीं पूछेंगे कि मुझे वीट चाहिए, क्या तुझे बदले में राइस चाहिए कि नहीं, नहीं हम नहीं पूछेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास, हम तो उसको बोलेंगे कि हमारे पास मनी है, हम मनी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस एंड इट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मनी से हम काफ़ी ईजिली एक्सचेंज प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इसको, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अगर मैं आपसे पूछूँ कि मनी कैसा होती है, तो आप मुझे दिखाओगे, आप बोलोगे कि ऐसे नोट्स होते हैं मनी, या फिर ये वाले कॉइन्स। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि शुरू से ये कॉइन्स चलते आ रहे हो, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। पहले के टाइम पे इन द सेंस एंशिएंट टाइम में लोग मेटल्स है, जो हाईली प्रीशियस मेटल थे, उनसे कॉइन्स बनाकर एक्सचेंज किया करते थे। वो मेटालिक कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, इनका अमाउंट ज़्यादा होता था, इसलिए इनको एक्सचेंज, इनके थ्रू एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉइन्स। सो अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, अब है करेंसी। ठीक है, करेंसी तो आप लोगों को पता ही है, जो भी हम नोट्स देखते हैं और जो भी हम कॉइन्स देखते हैं वो है करेंसी। ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी है, जो भी, और करेंसी इसीलिए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट और ये जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होती है। उसके अलावा जो भी नोट्स है वो रिज़र्व बैंक के बिहाफ पे ही इशू किए जाते हैं, और अगर कोई उस नोट को, अगर वो नोट को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो उस पर केस भी चल सकता है। ठीक है, बट एक वो है कि वो जो उसमें जो सीरियल नंबर लिखा होता है ना, वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो दो पीस में बटा हुआ है, ऐसे जाके आप दुकानदार के सामने मत लड़ने बैठ जाना। ठीक है, फिर है डिपॉजिट्स इन बैंक। अब ये क्या चीज़ है, अब
हम लोग सारा पैसा हमारी जेब में लेके तो नहीं घूमते ना, राइट? हम बैंक में भी तो अपना पैसा जमा करके रखते हैं। इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जब डिमांड हो हम विड्रॉ कर सकते हैं, जब डिमांड हो तब बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक, जब बैंक में डिपॉजिट करा हुआ होता है वो होता है बैंक बैंक डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है वो है चेक। चेक क्या है? चेक कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक है, इसमें जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम होता है, कितना कितना पे करना है और वही सब कुछ होता है, और अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, सो इसीलिए इसका यहाँ पर वो है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे डेट दी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है चेक। इसमें मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें मनी जेब में लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक पीस ऑफ पेपर है जो हम लिख के दे देते हैं, फिर हम बैंक में इसको दे देते हैं, और बैंक खुद ही वो मनी उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में भेज देता है। ठीक है, इसलिए ये इजी कॉन्सेप्ट है। ये है कुछ हमारी मॉडर्न मनी। यहाँ पे आप देख सकते हो आजकल कुछ कार्ड्स भी है, काफ़ी कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये भी हम यूज़ करें। आज के टाइम पे तो ऑनलाइन पेमेंट भी आ गई है। ठीक है, तो आपको चेक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन ही कर देते हो सब कुछ, यू नो, अब मॉडर्नाइज हो रहा है समथिंग। सो अब है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। सो इस चैप्टर में मनी का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। ठीक है, अब मनी यहीं तक था। सो अब हम आगे शुरू करने वाले हैं यहाँ से क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है लोन। ठीक, जो भी उधारी है, क्रेडिट है, वो सारा वो लोन होता है। ठीक है, और उसको क्रेडिट भी बोलते हैं। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। आपको मतलब बैंक में कितने, आज के टाइम पे हर एक आदमी का बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, अब अगर हर एक आदमी का बैंक अकाउंट है तो सोचो बैंक के पास कितना ज़्यादा करेंसी होता होगा। बट बैंक सिर्फ अपने अपने पास 15% ही रखते हैं, वो भी अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, कि अगर कोई आके पैसे निकालता है उसके लिए 15% ऑफ ही रखते हैं। बाकी का जो 85% है वो कहाँ जाता है? वो 85% बैंक यूज़ करता है अपनी लोन एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, लोन एक्टिविटीज़ क्या है? इसमें ना एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है डिपॉजिटर और बोरोअर्स। अब डिपॉजिटर, बोरोअर्स एंड लेंडर्स, अब ये क्या है? देखो, आपको ना बहुत ही इजी थ्रू में मैं आपको बता दूँ। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ये बैंक है, ये है डिपॉजिटर्स, जो नॉर्मल लोग हैं। आप कोई भी आप लोग हैं ना, आप पैसे जमा करते हो। ठीक है, आप मनी डिपॉजिट करते हो बैंक में और बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? जब आप ये विड्रॉ करते हो तो आपको उस पैसे का इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आप बैंक में रखते हो। ठीक, ये जो इंटरेस्ट दे रहा है, अब ये बैंक अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, इसके लिए भी तो पैसे कहीं से आ रहे होंगे। तो बैंक क्या करता है कि इन डिपॉजिटर्स का पैसा बोरोअर्स को दे देता है। मतलब पीपल, जो लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, आप काफ़ी लोग बैंक से लोन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन होते हैं, तो इन डिपॉजिटर्स का पैसा बोरोअर्स के पास जाता है। ठीक, और उसके बदले में बैंक उनसे भी लोन रीपे करता है। इसमें क्या है, ये वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट बैंक ले रहा है उसका रेशियो कंपेरेटिवली हाई होगा इस वाले इंटरेस्ट से। जो इंटरेस्ट बैंक हमें दे रहा है ये लो होगा कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये हाई है और ये लो है, और बदले में जो इसका जो डिफरेंस बचता है वो बीच में बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये है लोन प्रोसेस। इसमें डिपॉजिटर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स पैसे अपना डिपॉजिट करेंगे उसको बैंक बोरोअर्स को दे देता है। ठीक है, तो बैंक लोन देता है ना, बैंक के पास भी तो पैसा कहाँ से आएगा इतना लोन देने के लिए। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर्स के पैसे बोरोअर्स को लोन दे देता है, और बोरोअर जो उनको इंटरेस्ट देते हैं उसका डिफरेंस अपने पास रख के बचा हुआ इंटरेस्ट के तौर पे डिपॉजिटर्स को दे देते हैं। डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट मिल जाता है, बैंक भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, और बोरोअर्स को भी लोन मिल जाता है। तो इसमें तीनों का फायदा होता है। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पे देखो, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट मतलब लोन, कहीं अच्छे, यू नो, काफ़ी गुड रिजल्ट्स भी ला सकता है, लाता है, बट कहीं ना कहीं इसके कुछ रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक या बैड रिजल्ट्स भी होते हैं। अब वो कैसे, किसी मतलब
लोन का अच्छे या बुरे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसको हम केस के थ्रू पढ़ते हैं। फेस्टिवल सीजन, तो यहाँ पे है सलीम, एक शू मेकर। उनको उनको अचानक से ऑर्डर आ गया 3,000 पेयर ऑफ शूज़ का। अब इतना सारा बनाना है तो ऑफकोर्स उसके लिए सामान भी तो चाहिए ना। सामान लेने के लिए इतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं है उनके पास, इसलिए वो लोन लेते हैं। ठीक है, जब वो लोन लेते हैं तो वो उस लोन से अपना वो सारे शूज़ बना के उनको बेच देता है। ठीक है, और बदले में उसको पैसे आ जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं उन शूज़ के, और फिर वो अपना लोन वापस पे कर देते हैं। ठीक है, जो लोन उन्होंने लिया था उसको विद इंटरेस्ट वो अच्छे से वापस कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्रेडिट एक बहुत ही वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अब आती है स्वप्ना की प्रॉब्लम। स्वप्ना एक फार्मर है, ठीक है, जो ग्राउंड नट उगाते हैं अपनी 3 एकर्स लैंड में। तो उसने अपने जो नियरेस्ट मनी लेंडर है उससे लोन लेकर, उसे मतलब लोन लिया ताकि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए जो भी फर्टिलाइज़र है या फिर जो भी क्रॉप्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो ख़रीदने के लिए उसने वो लिया, लोन ले लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसकी जो क्रॉप थी वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हुई। जब उसकी क्रॉप ग्रो ही नहीं हुई तो स्वप्ना स्वप्ना को तो लॉस हो गया। वो तो कोई बात नहीं, अब स्वप्ना को तो वो लोन भी देना है ना जो उसने मनी लेंडर से लिया है, उस लोन को पे करना है प्लस इंटरेस्ट। अब ऐसे सिचुएशंस में फार्मर्स फर्स्ट से हैं एक बहुत ही कॉमनली कॉल्ड ट्रैप में या फिर टर्म में जो आपने सुनी होगी, विच इज़ डेट ट्रैप। ये क्या है? डेट ट्रैप है एक फंदा, ऐसा फंदा जो हमें इस तरह से फंसा देता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। ये है उधारी का फंदा। आपके पास इतना डेट हो जाता है, इतना डेट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं आप कैसे पे करोगे। ऊपर से आपका जो इनकम सोर्स है वो भी नहीं काम कर रहा, प्लस उस डेट में इंटरेस्ट जो है वो तो टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, वो तो इंक्रीज होता ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना रुकेगा, वो थोड़ी ना देखेगा आपके पास पैसे है कि नहीं। और इसीलिए इंडिया में इतने सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं, उसका मेन रीज़न है डेट ट्रैप। और जब ऐसे सिचुएशन में लोग आ जाते हैं तो इससे रिकवरी बहुत पेनफुल होती है, और मैक्सिमम फार्मर्स सुसाइड ही कर लेते हैं। ठीक, अब है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब अगर आपको क्रेडिट लेना है, ठीक है, अगर आपको लोन लेना है तो ऐसी थोड़ी ना लोन दे देगा कोई आपको। मतलब लोन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है देना, उनमें से भी कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट वो देने वाला बोलेगा कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। उसके बाद है कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? आपने सुना होगा वो गिरवी। ठीक है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको लोन लेना है तो आप ना कोई भी चीज़, अपनी कोई भी एसेट उस मनी लेंडर को कोलेटरल में दे देते हैं कि जब तक मैं वो पैसे वापस नहीं लेकर आऊँगा ये चीज़ तो अपने पास रख ले। ठीक है, और अगर मैं वो पैसे नहीं दे पाया तो तू उस चीज़ से अपना पूरा लोन रीपे कर लियो। जैसे आपने सुना होगा कि औरतें अपना गोल्ड रखती है कोलेटरल में, कि ये गोल्ड मैं आपके पास रख रही हूँ तो इसका मतलब ये है ही है कि मैं आपका ये जो मैं आपसे लोन ले रही हूँ ना, ये मैं आपको पे कर ही दूंगी। बट अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं अगर पे नहीं कर पाई किसी रीज़न से, तो आप फिर इसी से जो है अपना वो पूरा कर लेना। ठीक है, ये कोलेटरल इसीलिए रखा जाता है क्योंकि लोग पहले के टाइम पे काफ़ी लोगों ने ऐसे किया कि वो लोन लेके गायब भी हो जाते थे। ठीक, इसके लिए कोलेटरल है। उसके बाद कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और एक मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप रीपेमेंट कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक, तो कोलेटरल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, वेट अ मिनट। हाँ, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब क्रेडिट भी ना, जो आप लोन लेते हो वो भी कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, विच इज फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। अब ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर मतलब जब आप किसी ऑथराइज्ड या फिर काफ़ी जो ऑथराइज्ड
ऑथराइज यू वो होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे लोन लेते हो। ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? बैंक्स। ठीक, बैंक से आप लोन ले रहे हो, वो ऑफ कोर्स ऑथराइज्ड है, क्योंकि जो भी बैंक से, उसको तो आरबीआई फंक्शन करती है ना, उसके ऊपर जो भी आप, बाकी जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हो, सपोज ये बैंक है, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक बड़ा बैंक बैठा हुआ है ना, विच इज़ आरबीआई। तो अगर आप इससे लोन ले रहे हो, इस बैंक से, तो उसको भी कोई देख रहा है, आरबीआई। और आरबीआई की फंक्शनिंग के अंदर, आरबीआई की सुपरविजन के अंदर ही ये काम करेगा। ये आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता है। जितना इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है या फिक्स करके रखा है, कि सपोज अगर अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 6% लेना है तो 6% ही लेना पड़ेगा उस बैंक को, वो आपसे 1% भी ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर मतलब सपोज, अब लोग तो आप ऐसे ही करते ही हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? अगर आप कुछ भी हो सके इनफॉर्मल सेक्टर, मान लो आप अपनी किसी मनी लेंडर से ले रहे हो, जो आपके विलेज का ही कोई मनी लेंडर है, उससे आप ले रहे हो। अब उसके अलावा आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड से ले रहे हो, ठीक, उसके ऊपर थोड़ी ना कोई नज़र रखेगा, उसका जितना मन करे वो आपसे उतना इंटरेस्ट लेगा। ठीक, कोई मनी लेंडर है, वो थोड़ी ना आपसे पूछेगा कि हाँ ये इंटरेस्ट, ये रेट लग रहा है, मैं इतने में लूँगा। वो तो उसकी मर्जी है, अब वो चाहे जितना भी ले। ठीक है, ये इसीलिए तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में, और मैक्सिमम लोग ना इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं ये लोन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ना एक मेन रीज़न हो सकता है कि कोलेटरल चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जो हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। सपोज विलेज के लोग हैं ना, उनके पास काफ़ी बार डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं। और कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बैंक्स होते ही नहीं है। एक रीज़न ये भी है कि बैंक्स होते ही नहीं है, दूर है बैंक्स, तो उस तक जाने की सबसे अच्छा, तो लोग बोलते हैं अपने जो आसपास वाले दोस्त हैं, फैमिली है या मनी लेंडर है, उनसे ही ले लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें ये ब्लू कलर शो करता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन, और पर्पल शो करता है फॉर्मल सेक्टर से लोन। जो पुअर हाउस होल्ड है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, 85% ऑफ गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, और ओनली 15% फॉर्मल सेक्टर से। ठीक, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, जिन लोगों के पास एसेट्स है, काफ़ी लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता है देने के लिए, ठीक है, जिन लोगों के पास एसेट्स है, कुछ ऐसे घर, उसमें से भी मेजोरिटी 53% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेते हैं, 47% लेते हैं पर फॉर्मल सेक्टर से। ठीक है, वेल ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब जो काफ़ी अच्छे हाउस होल्ड है, जिनके पास यू नो कोलेटरल भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, वो उतना इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। 72% ऑफ ऐसे घर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और 28% इनफॉर्मल सेक्टर से। फिर जो रिच हाउस होल्ड है, यू नो द रिच वंस, वो उसमें से तो 90% लोग फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेंगे, ओनली 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ होता है, कोलेटरल भी होता है, डॉक्यूमेंट सारे होते हैं। तो अब वो क्यों किसी लोकल आदमी, किसी लोकल मनी लेंडर के पास जाके ऐसे बोले कि तुमसे लोन लेंगे, वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कभी कभार ना, जैसे जो पूरा हाउस होल्ड है, उन लोगों को ना नॉलेज नहीं होती है कि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, बैंक्स लोन भी देता है, कि कैसी कैसी पॉलिसीज है, उन चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं होते, या फिर नॉलेज नहीं होता। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग वो क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, सो अब इट इज़ नेसेसरी डेट बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि जो भी बैंक्स है और जो भी कोऑपरेटिव्स है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करे जो रूरल एरियाज है, उधर रूरल एरियाज में, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ना लेने पड़े ना लोगों को। जो फार्मर्स है, अगर सपोज अगर 6% का रेट चल रहा है, तो वो उनसे 9 या 10% ले रहे हैं।
वो भी है कि फार्मर्स को नॉलेज नहीं हो या फिर बैंक ही ना हो, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर के लोन्स एक्सपेंड हो ताकि हर एक आदमी वो लोन रिसीव कर सके, ठीक। सो हेयर इज द लास्ट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, वैसे तो इनके नाम से पता चल रहा है, जो खुद खुद की हेल्प करेंगे। खुद खुद की हेल्प करेंगे मतलब क्या, इसमें ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में मैक्सिमम वुमेंस है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ऐसे बनाती हैं मैक्सिमम टाइम्स। आपने देखा होगा कि अगर मतलब पार्टीज बनाती हैं, ये है क्या, मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसमें अराउंड 15 to 20% लोग होते हैं टिपिकल SHG में, जिसमें लोग क्या करते हैं कि सपोज विलेज के कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, वो विलेज के चार पांच मेंबर्स मिलकर, चार पांच से 15-16 मेंबर्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिसका जो है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें हर एक आदमी ना सपोज अगर 5-5 रुपये दे रहे हैं, ठीक, तो इन ये 5 लोग हैं तो 25 रुपये बन गए मंथ का, पर मंथ, ठीक है। अब सपोज ये बोलता है कि मेरे घर पे फंक्शन आ रहा है और मुझे पैसे चाहिए, तो वो तो ये लोग इसको ये पैसे दे देंगे अभी, ठीक है, बाद में जब उसके पास हो गए तो वो उसको विद थोड़ा सा इंटरेस्ट, स्मॉल ना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगा। ऐसे ये मंथ 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 में इकट्ठा करते रहेंगे और जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी, जब 500 में से, वो तब ले जाएगा, ठीक है, और उतना इंटरेस्ट भी बाद में पे करेगा। तो ये होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो समिंग अप एंड यस, दैट इज़ इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।